रेगिस्तान में बाढ़ जैसे हालात। बिपोरजॉय की वजह से यहां दो दिन में जितनी बारिश हुई है वो साल भर का 20% हिस्सा है। गुजरात से सटे साचौर में पांचला बांध में रिसाव के कारण साचौर शहर में 4 फुट पानी भर गया। यहां से विधायक और मंत्री सुखराम विश्नोई खुद घुटने तक भरे पानी में बाहर निकले शहर का निरीक्षण करने। जालौर और जोधपुर के रास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग में भी पानी भर गया। कई गांव पानी में डूब गए हैं। बारिश का कहर अब दक्षिण राजस्थान में कम हो रहा है। विंड का स्पीड तो कम रहा लेकिन बारिश जो है ना वो मतलब आपका काफी ज्यादा रहा। करीब 2000% ज्यादा बारिश हुई है जोधपुर डिवीजन का जिलों में। इसमें बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही, ये 4 जिला तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहे। टोंक और अजमेर में भारी बारिश हुई है। टोंक में 124 mm बारिश दर्ज की गई है। बहुत बढ़िया बारिश हुई है साहब, कल की बारिश हो रही है आराम से, बहुत बढ़िया है। फसल बोने की अब बाढ़ आते ही फसल धोएंगे। बहुत शानदार बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसानों के लिए। बहुत शानदार बारिश है और अब फसल बहुत होते ही ये बाढ़ आते क्या नाम से फसल बोएंगे। चक्रवात अजमेर के रास्ते पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। अजमेर में कई जगह जल भराव हो गया। पानी सरकारी अस्पताल तक में घुस आया है। फ्लोर लेवल है वो काफ़ी नीचा है, रोड कई कुछ कुछ जगह रोड लेवल से भी नीचा है। तो जो पानी जब भी बारिश का पानी आता है तो अस्पताल के अंदर वो सीपेज होके आता है। इसके दो तरह के सोर्स हैं जो मेरे को अभी राउंड करने में पता चले। अंडरग्राउंड पानी भी सीपेज होके आता है और जो नाले वाले ब्लॉक रहते हैं उनका भी पानी बैक फ्लो होके अंदर आता है। अगले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में बारिश की चेतावनी है लेकिन अब चक्रवात का कहर कम पड़ रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।